जो पब्लिक प्रोग्राम्स है हमारे हैं वो अगर हॉल के अंदर हैं उसमें वही रखा हमने कि 200 मैक्सिमम। लेकिन वहाँ लंगर का आयोजन, भजन कीर्तन का आयोजन, हवन का आयोजन जिस प्रकार से करते हैं उस पर हमने कहा कि फिलहाल रुकना। अब की बार इस होली के अवसर पर हमने रोक लगाई है और उसकी वजह हिमाचल प्रदेश में बढ़ते हुए कोविड के मामले। एक ओर जहां हिमाचल सरकार कोरोना को लेकर जनता के लिए लगातार फरमान जारी कर रही है, जहां एक शिक्षण संस्थानों सामूहिक कार्यक्रमों को बंद करने की अपील लोगों से की जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर सरकार के नुमाइंदे खुद कोरोना नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। क्या 2 गज की दूरी सिर्फ जनता के लिए ही जरूरी है? चुनावी कार्यक्रमों में 2 गज की दूरी कोई मायने नहीं रखती है। हिमाचल प्रदेश में जहां नगर निगम के चुनाव होने जा रहे हैं तो पार्टियां प्रचार के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। आज नगर निगम चुनाव की बिसात में स्वयं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में चुनाव प्रचार में उतर गए हैं। अब की बार इस होली के अवसर पर मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि हम होली सिर्फ अपने घर में अपने परिवार के साथ मनाएं। हर वर्ष जिस प्रकार से हम होली के अवसर पर सार्वजनिक आयोजन भी करते थे, इस बार इस प्रकार के आयोजन करने के लिए हमने रोक लगाई है और उसकी वजह हिमाचल प्रदेश में बढ़ते हुए कोविड के मामले। सोलन में मुख्यमंत्री के ही कार्यक्रम में कोरोना प्रोटोकॉल की सरेआम धज्जियां तोड़ी गई हैं। सोलन नगर निगम के 17 वार्डों के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सोलन में एक जनसभा को संबोधित किया। वो पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील की है। इस दौरान कोरोना नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ाई गई हैं। ना तो 2 गज की दूरी देखने को मिली है और न ही कुछ और एहतियात के तौर पर देखा गया है। मानो स्कूलों, कॉलेजों व अन्य कार्यक्रमों में ही कोरोना फैलता है। श्रद्धालु आते दर्शन करने के लिए आते हैं, वो तो श्रद्धालु दर्शन करेंगे, लेकिन वहाँ लंगर का आयोजन, भजन कीर्तन का आयोजन, हवन का आयोजन जिस प्रकार से करते हैं उस पर हमने कहा कि फिलहाल रुकना चाहिए। दूसरी बात, हमने ये भी निर्णय किया कि जो पब्लिक प्रोग्राम्स हैं हमारे हैं वो अगर हॉल के अंदर हैं उसमें वही रखा हमने कि 200 मैक्सिमम और 50% ऑफ द टोटल कैपेसिटी, 50% वह टोटल कैपेसिटी का। अगर जहां जैसे 400 लोग बैठ सकते हैं वहां पर 200 से ऊपर ज़्यादा लोग नहीं बैठे, 50% बैठेंगे। जहाँ 100 आदमी बैठ सकते हैं कमरे के अंदर वहाँ पर 50 आदमी ही बैठेंगे। और ओपन एरिया में भी इसी तरह से हमने जो कार्यक्रम होगा उस कार्यक्रम में हमने रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई, लेकिन इतनी रिस्ट्रिक्शन लगाई अगर कहीं ग्राउंड की कैपेसिटी 1000 है तो 1000 के उस ग्राउंड की कैपेसिटी के अनुसार 500 ही वहां पर लोग कार्यक्रम में गैदर हो सकते हैं, तो इसको एनफोर्स किया। इसके अतिरिक्त तो हमने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पर थोड़ा ज़्यादा बल देने के लिए कहा है, टेस्टिंग का सैंपल और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ाने के लिए कहा है। इसके अतिरिक्त तो जो हमारे स्कूल कॉलेजेस में जहाँ हमारे एग्ज़ाम हो रहे हैं, जिन क्लासेस के हो रहे हैं बोर्ड क्लासेस के, तो
वहाँ पर तो अभी तक जो है उस तरह से उसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रहे, लेकिन एक हफ्ते के लिए हम कल के बाद इस बात को लेकर के जो है वो स्कूल बंद करने के लिए एक ये कर रहे हैं। इस जनसभा में मुख्यमंत्री ने भाजपा का संकल्प पत्र भी जारी किया। वह अपने संबोधन में कहा कि सरकार ने सोलन को नगर निगम दिया है, वह जनता नगर निगम में भाजपा को चुनकर सोलन के सर्वांगीण विकास के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। पूरे प्रदेश में सबसे तेज गति से बढ़ने वाला शहर, चाहे वो पॉपुलेशन के हिसाब से है, चाहे वो डेवलपमेंट के हिसाब से, जिसमें हर तरफ ग्रोथ दिखती है, तेजी से ग्रोथ दिख रही है, वो सोलन डिस्ट्रिक्ट का हमारा ये सोलन शहर पड़ता है। यहाँ व्यवस्थित ढंग से यानी कि प्लान वे में डेवलपमेंट हो, ये बहुत आवश्यक है। शहर हो और वो शहर प्लान वे में डेवलप हो तो लोगों को भी सुविधा रहती है। उसके लिए जो संभावनाएं हैं वो कॉरपोरेशन में बना करके ही संभव थी, इसलिए इसको नगर निगम का दर्जा देना बहुत आवश्यक था। क्राइटेरिया को भी फुलफिल करता था। क्यों नहीं हुआ ये तो वो लोग जाने जिन्हें नहीं बनाया, लेकिन ये बहुत पहले होना चाहिए था। इस दौरान 100 के करीब लोगों ने भाजपा की सदस्यता भी ग्रहण की है। बात करते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बताया कि प्रदेश की चारों नगर निगम में 100% सीटों पर भाजपा की ही विजय होगी। उन्होंने कहा कि सोलन नगर निगम में कांग्रेस की एक भी सीट नहीं आएगी, वह पूरे प्रदेश में भी भाजपा बेहतर प्रदर्शन करेगी। मैं तो ऐसा देख रहा हूँ कि जिस तरह से लगभग 174 लोगों ने आज पार्टी ज्वाइन की है, इससे इस माहौल को देखूं तो कांग्रेस को शायद एक सीट भी नहीं मिलेगी। जो पब्लिक प्रोग्राम्स है हमारे हैं वो अगर हॉल के अंदर हैं उसमें वही रखा हमने कि 200 मैक्सिमम। लेकिन वहाँ लंगर का आयोजन, भजन कीर्तन का आयोजन, हवन का आयोजन जिस प्रकार से करते हैं उस पर हमने कहा कि फिलहाल रुकना। अब की बार इस होली के अवसर पर हमने रोक लगाई है और उसकी वजह हिमाचल प्रदेश में बढ़ते हुए कोविड के मामले हैं।